हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम 2 मीटर से काप्तान बनाना। आप देख ही सकती हैं ये रेडी लुक है और कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है, और बनाना इसको बहुत बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जिसके लिए मैंने 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है, और उसके बाद मैंने ये लेस ली है। ये कलरफुल लेस है, ये हमारी जो पम पम वाली लेस आती है उस टाइप की है। तो सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है वो 2 मीटर है, तो इसको हमें 4 तह में बिछा लेना है। ये देखिए, बंद की साइड मेरी साइड है, खुले साइड दूसरी साइड है, और लंबाई हमने, मैं आपको लंबाई भी बता दूंगी, लंबाई है इसकी। तो सबसे पहले हम इसमें चौड़ाई देखेंगे। तो जैसे इसकी जो चौड़ाई आ रही टोटल वो 21.5 इंच आ रही है, और लंबाई इसकी आ रही है 41 इंच, लेकिन हम 40 का तैयार करेंगे, नीचे से बराबर कर लेंगे जो छोटा बड़ा है। अब सबसे पहले इसमें नॉर्मली हम शोल्डर लेंगे 7 इंच पे, कटेंगे इसकी सिर्फ गले की होगी, आप बने रहिएगा अंत तक। और 7 इंच पे ही हम अपने आर्म होल ले लेंगे, और इसमें परफेक्ट फिटिंग होगी, इसमें मार्जिन नहीं लिया जाएगा। आपकी जितनी भी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी आपका 4th पार्ट आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पे ही लूँगी। मैंने मार्जिन इसमें नहीं लिया है बिल्कुल भी। अगर लूज़ पहनते हो तो 0.5 इंच का मार्जिन ले सकते हो, कमर का भी 4th हिस्सा, और जहाँ पे भी आपकी फ़िटिंग होगी, जैसे मेरी होगी फिटिंग 8 इंच पे, तो मैंने 8 इंच पे ही निशान लगाया, मैंने इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लिया है। अब यहाँ से हम हल्का सा तिरछापन दे देंगे इसमें, यहाँ से मतलब एक रफली लाइन बना लेंगे, लेकिन जब सिर्फ फिटिंग की हम यहाँ पे फिटिंग के लिए दूसरे निशान लगाएंगे तो आप देख लीजिएगा वही निशान होंगे इसमें। अब यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे, 3 इंच तो गले की चौड़ाई होगी, और मैं दोनों बैक और फ्रंट एक जैसे रख रही हूँ, तो मैं यहाँ से 6 इंच ले रही हूँ लंबाई। एक बॉक्स बना के गोल शेप दे देंगे इसमें। अब उसके बाद यहाँ से इसको और डार्क कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से पहले नीचे से बराबर करेंगे इसको, बाकी कटिंग कहीं से नहीं करनी, ध्यान रखें सिर्फ गले की कटिंग करनी है। अब इसको खोल लेंगे, तो क्या करेंगे कि जो हमने निशान लगाए थे, और ये निशान हम सीधी साइड को लगा रहे हैं, ध्यान रखें ये भी। अब इनको हाथ से हल्का सा थपथपा के आप दूसरी साइड भी ले आइए। तो देखिए, ये परफेक्ट फिटिंग के हमारे निशान आ गए हैं, मार्जिन हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं लिया है। आपकी जितनी भी फिटिंग है उसको आपको 4 से डिवाइड करके उतना ही लेना है। जैसे 40 है तो आपका 10 आएगा, तो आपको 10 ही लेना है, ना कि आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो 10 का जब हम इसको नापेंगे तो 20 होगा। तो इस तरीके से जैसे हम फिटिंग करते हैं, अब सबसे पहले हम गला तैयार करेंगे अपना। खोलने के बाद में ये कपड़ा ही होगा, मतलब इसमें कुछ भी कटिंग नहीं है, सिर्फ गले की कटिंग है, तो एक कपड़ा ही है ये सिंपल सा। तो साइडों में किनारी आई हुई है तो मैं मोड़ूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ये लेस लगाऊंगी, मोड़ूंगी सिर्फ मैं नीचे से, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो यहाँ से इस लेस को हम इस तरीके से रख के और लंबाई से लेके पूरे ही गोल सर्कल में लगा देंगे, यानी कि इसका कोई भी कोना हम नहीं छोड़ेंगे, चारों तरफ को लगा देंगे। तो गले के लिए हमने ऐसे गले को सीधा करके रख लेना है, और एक पट्टी हमने कट कर ली है उसको ऐसे रखेंगे हम, और रख के पूरे में लगाएंगे। और इसको बनाना बहुत आसान है, आप इसे दुपट्टे से भी बना सकती हो अगर आपके पास पुराना दुपट्टा है तो। अब यहाँ से हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हुए लेके जाएंगे, और इसमें स्लीव्स भी खुद ही बन जाती हैं, लेकिन ये लेस लगा लेते हैं तो अच्छा लुक आता है। अब इसको हम रॉन्ग साइड को पलट के, जैसे सीधी साइड को रख के हमने पट्टी को जोड़ा था, तो हम उल्टी साइड को पलट के इसको पूरा कंप्लीट तैयार कर देंगे। अभी देखिए, हमने गले को कर लिया है तैयार, अभी हम लेस लगा लेते हैं। तो पहले हम नीचे से बॉटम को मोड़ लेंगे 0.5 इंच के बराबर, दोनों साइड से मोड़ना है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। और आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरी सिलाई क्लास की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप सीख सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे रख लेना है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप पे हाय भेज के और अपने डिज़ाइन शेयर कर सकते हो मेरे साथ।
जो भी आप बनाते हो, क्योंकि मेरे से लगभग 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हो। अब यहाँ से इसको पूरा हम राउंड में लगा लेंगे, मतलब पूरे चारों तरफ को लगा के फिर इसमें बस फिटिंग करनी बाकी रह जाएगी। तो ये देखिए मैंने एक इस साइड लगा लिया, अब मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ ऐसे घुमाव देते हुए। अब ये लग गई है, अब बस इसमें फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग आपको यहीं से करनी है जहाँ से निशान है, ऊपर से नहीं करके लानी है, जहाँ से चौक का निशान स्टार्ट है वहीं से फिटिंग करनी है, क्योंकि इतनी फिर हमारी ये बाजुएं बन जाएंगी। और अच्छे से बराबर करके कपड़े को तब फिटिंग करें, ऐसा ना हो कि कपड़ा आपका अंदर हो जाए और बाहर हो जाए। तो एकदम अच्छे तरीके से कपड़े को रखिए, फिर उसके बाद फिटिंग कीजिए। और इस फिटिंग को मैं 16 इंच तक करूँगी। ये देखिए निशान सिर्फ हमने ए लाइन के लिए लगाया था, लेकिन 16 इंच तक इसकी फिटिंग होगी, बस आर्म होल से लेके यानी मुड्ढे से लेके नीचे तक 16 इंच तक ये जो निशान लगा हुआ है उसके नीचे खुला रहेगा वो। तो देखिए पन्ने के बाद में इस तरीके से लुक आया है इसका, फिटिंग बहुत अच्छी आई है, परफेक्ट फिटिंग है ये। अगर लूज पहनना पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा लूज भी रख सकते हो। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, आप लाइक करना भूल जाते हो। धन्यवाद आप सभी।